नर्मदे हर दोस्तों, आज दिन 21वां परिक्रमा का, और आज तारीख है 22 तारीख, 23 तारीख, 23 दिसंबर 2021। मैं हूँ धड़गांव में, सोमनाथ जी महाराज, ये रहे साक्षात उनके दर्शन, सोमनाथ जी महाराज जी के। अच्छा सा मंदिर है, उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है, और मैया की मूर्ति और भोलेनाथ जी और गणपति जी स्थापित किए हुए उनके घर में है। ये बहुत सौभाग्य की बात है, हमें यहाँ आने का मौका मिला। बाबा जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा अच्छा है। लग रहा है। और आपकी सेवा बाबा जी, हमने पूरी परिक्रमा में ऐसी सेवा और ऐसा अनुभव हमने कभी नहीं लिया, ऐसा क्या बात ठीक है है? भगवान, नहीं आपने लिया, कर सही में आपने लिया क्या? नहीं लिया ना। नहीं लिया। और मैया के दर्शन यहाँ पे डायरेक्ट हो रहे हैं, और आरती भी हमें मिली दोनों टाइम, कल शाम को भी आज भी। बहुत सौभाग्य की बात हमारे लिए। और आपसे भी निवेदन करूँगा, जब भी आप धड़गांव आए या परिक्रमा में हो, सोमनाथ जी महाराज जी के पास आप रुके, जरूर एक रात रुके, और आप मुझे कमेंट करके रुक के बताना कि कैसा लगा। नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। नर्मदे हर दोस्तों, हम धड़गांव से खुटा मोड़ी की तरफ जा रहे हैं। रास्ता बहुत सुंदर है, देखिए यहाँ पे कुआं, हैंडपंप, और यहाँ से छोटा सा नाला बह रहा है, इधर से झरना है। और कभी छाया आ रही है, कभी धूप आ रही है, बहुत सुंदर दृश्य। मांडव्य ऋषि जैसी हम साधना नहीं कर सकते, वो मांडव्य ऋषि ही थे, उनके जैसा कोई नहीं। उन्होंने पता है क्या किया था? उनको 40 साल लग गए थे एक परिक्रमा करने के लिए, और उन्होंने कैसे की थी? मैया के किनारे किनारे चल देते, ठीक है, और जहाँ पे कोई दूसरी नदी मैया से संगम होता, तो जो नदी दूसरी होती थी उसकी भी जहाँ से उगम हुआ है वहाँ तक जाते थे उल्टा, फिर उसको भी नहीं क्रॉस करते थे वहाँ से। फिर अब अगर उस नदी को भी दूसरी होगी तो उससे भी ऐसे जाते थे उगम तक। तो सारी नदियाँ उन्होंने, कोई भी नाला, कोई भी नदी, कोई भी झरना क्रॉस नहीं किया, ऐसी परिक्रमा की है। और बहुत त्याग है, बहुत तपस्या है इनमें, इतना आसान नहीं है वो वैसी परिक्रमा करना। 40 साल लगे थे एक परिक्रमा के लिए। हम तो सोचते हैं 4 महीने, 1 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए तो वही बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। परिक्रमा कोई भावनाओं में आके लेने वाली चीज़ नहीं है। देखिए रास्ता, नर्मदे हर, नर्मदे हर, सरकारी ड्यूटी वाटते है। मस्त मस्त बघा, शूल पाणी क्षेत्र अजून संपलेल, ओ सॉरी मैं मराठी में बोल रहा हूँ, और मराठी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। मुझे बहुत सारी भाषाएं आती है, तो आप जिस भाषा में बोलना चाहोगे बोल सकते हो, और कमेंट मराठी में कर सकते हो। मराठी मुझे आती है, पढ़नी लिखनी सब आती है, लेकिन बोलना हो अब बोल तो कमेंट में कह सकते, ठीक है। मराठी मुझे समझ में आती है, और जो भी मराठी देख रहे हैं लोग महाराष्ट्र से, वो बोल सकते हैं मुझे मराठी में कमेंट, और मैं रिप्लाई भी मराठी में देने का कोशिश करता हूँ। देखिए शूल पानी क्षेत्र, और मैं हिंदी में इस वजह से वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मराठी लोगों को हिंदी समझ में आ सकती है, लेकिन हिंदी लोगों को मराठी समझ में नहीं आ सकती, तो इस वजह से मैं हिंदी में ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि देश के क्या विदेश के भी लोगों को, जो अपने भारतीय बंधु है विदेश में, उनको भी सारी समझ में आ जाए, इस वजह से मैं हिंदी में बनाता हूँ। बहुत सुंदर दृश्य, दूर दूर तक शूलपानी क्षेत्र फैला हुआ है, और शूलपानी मैया
नर्मदेश्वर जी के रूप में शूल पानी में आते हैं लेके महादेव जी को। मैया के दर्शन कल नहीं हुए, पूरे दिन अजीब सा दिन गया। नर्मदे लेकिन कल सोमगिरी महाराज जी के यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे हर। अब रास्ता उतरने का है, धीरे धीरे उतरने का है। देखिए अब उतरते जा रहे हैं, मेरे साथ है कुछ लोग। नर्मदे हर। पहला झरना इसको हम क्रॉस कर रहे हैं आज का, बहुत दूर से आया है। नर्मदे हर। आज हम सुबह सुबह बैठे हैं पेरू के अमरूद के बाल भोग के लिए। देखिए कानड़े बहू नर्मदे यार दोस्तों, धड़गांव तालुका जिला नंदुरबार, यहाँ शूल पानी क्षेत्र में एडवोकेट फूलवंती ए पाड़वी, इनसे मिलेंगे अब हम। ये रहे फूलवंती जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूवर्स से और परिक्रमा करने वाले परिक्रमा वासियों से? हाँ, बच्चों को ज्यादा चॉकलेट ना दे क्योंकि उनके दांत हुए जो सड़ जाते हैं और बच्चों को ये आदत लग जाती है ना कि किसी ने दिया नहीं, जो गरीब होते हैं उन्होंने दिया नहीं तो बच्चों उनको गाली भी मारने लगते बाद में, तो ये थोड़ा बंद करने तो अच्छा होगा। और आप यहाँ पे कैसे इतना पढ़ लिख के आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो एलबी की? धड़गांव तालुका में सत्र न्यायालय है, वहीं पे प्रैक्टिस है। और जहाँ पे काम मिलता है, मतलब दूसरा स्टेट हो या जिला में, कहीं भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ पे हमें काम मिला वहाँ पे जाके कर सकते हैं प्रैक्टिस। आपने डिग्री कहाँ से ली? ये धुलिया से एलएलबी की डिग्री ली है और एलएलएम औरंगाबाद। देखिए दोस्तों, इन्होंने ग्रामीण भाग से उठ के एक नारी शक्ति का एग्जाम्पल है। ये ग्रामीण भाग से उठ के यहाँ पे कैंटीन भी चलाते हैं और इनका प्रैक्टिस भी करते हैं। और ये शूल पानी क्षेत्र से है दोस्तों, आदिवासी क्षेत्र से, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। थैंक यू। नर्मदे हर दोस्तों, यहाँ एक और छोटी सी नदी लगी है। नदियाँ बहुत हैं भाई, नर्मदा मैया में इतनी नदियाँ झरे हैं, झरने बहुत। नदियाँ उस साइड से मिलेंगी बहुत सारी संगम, क्योंकि यहाँ साइड से अब शूल पानी से जा रहे, इस वजह से हम बहुत दूर से जा रहे। देखिए झरना हो चाहे नदी हो चाहे नाला हो, पानी साफ का साफ मिलेगा, जैसा है वैसा ही। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस साइड पानी बहुत ज़्यादा है भाई, इधर पानी बहुत ज़्यादा है, मछलियाँ भी हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदे तेरी सदा ही जय। परिक्रमा में आपको जीवन का सार और असलियत दोनों मिलेंगे। बस मैया की इतनी कृपा होनी चाहिए, मैया आपको परिक्रमा में बुला ले, बस एक मौका होता है वो देना चाहिए मैया ने। जिन्होंने परिक्रमा की है और सही में परिक्रमा की है उनसे पूछिए,
मैया की कृपा, क्योंकि भागने वाले बहुत आते हैं इधर, दौड़ने वाले। हम 20 किलोमीटर चलते हैं, 30 किलोमीटर चलते हैं, 40 किलोमीटर चलते हैं। आज कितने चले? 40 किलोमीटर चले। ओहो हो, बहुत अच्छी परिक्रमा चल रही। ऐसे बहुत मिलते हैं मुझे, उन लोगों से मैं ज़्यादा पास नहीं जाता, उनसे दूरी ही बना के रखता हूँ। जो जैसा है उसको अपने मन से करने दो, मैं भी कुछ बोलता नहीं। हम समझाने जाएंगे तो हम ही मूर्ख कहलाएंगे, इस वजह से मैं किसी को कुछ बताता नहीं, कुछ नहीं। मैं और मेरी मैया दोनों चलते रहते हैं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं। माँ मेरे साथ है ये मुझे पता है। नर्मदे हरे।